ऑलराइट गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ बद्राणा के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज आपको मशरूम की खेती कैसे होती है नहीं पड़ती है तो उसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी मैं बद्राणा गांव में आ चुका हूँ। यदि आप देखना चाहते हो तो इसको लास्ट तक देखिए और चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से खेती करते हैं और किस प्रकार से ये उगती है और कितनी महंगी होती है और ये किस किस काम आती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस साइड में भी बो रखी है, ये जो पीछे देख रहे हो, और इस साइड में भी बो रखी है। तो फ्रेंड्स, ये मशरूम के लिए खेती करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसको सीखने के लिए कुछ तैयारियाँ भी करनी पड़ती है, तब जाके ये खेती होती है। तो चलिए मैं पहले दिखाना, सर ये बीज कैसे हैं, किस प्रकार से दिखाई देते हैं? मशरूम के बीज? हाँ हाँ, मशरूम के। हाँ, हाथ में लेके दिखाना। ये तो बिल्कुल गेहूं जैसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, गेहूं के ऊपर फंगस चढ़ा रखा है। अच्छा, गेहूं के ऊपर कुछ चढ़ाया जाता है ना? हाँ, इससे खेती होती है। खेती होती है। तो कैसे लगाते हो इसको? इसकी इस प्रकार बिजाई करी जाती है। अच्छा, ऐसे बिजाई करते हो इसमें। हाँ। फिर ये बीज तो ऊपर रह गए, इनको चिड़िया चुग गई या कोई और चुग गया तो ये अखबार से ढकना पड़ेगा। अच्छा, अखबार से इसको ढकोगे। हाँ। चलो एक मिनट करके दिखा दीजिए। अच्छा, ये बीज गिरने के बाद में कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये लगभग एक महीने तैयार हो जाएगा। एक महीने का टाइम लगता। हाँ। है ना, ये जो मई तक फर्म चलना है ना। अच्छा अच्छा, चलेगा। अच्छा, ये मई तक तैयार होगा, यानी कि दिसंबर में आ जाएगा ये बाहर। हाँ, अभी तो नवंबर चल रहा है तो दिसंबर तक ये आ जाएगा ना। हाँ, दिसंबर में चालू हो जाएगा ये, मई तक चलेगा ये। पछेती बिजाई है, अगेती बिजाई जो आपको पहले दिखा के आई थी ना, वो अगेती चल रही है, ये पछेती है। अच्छा, इस हिसाब से करते हो आप? हाँ। ये सेटअप आप ऊपर भी इस पे लगाओगे ना? हाँ, इसकी छत भी लगानी है। छत भी लगाओगे? चलो अच्छी बात है। इस प्रकार से दोस्तों बिजाई होती है, जो मशरूम है उसकी खेती की बिजाई इस प्रकार से होती है। यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहो या कुछ इसके बारे में पूछना चाहो तो नंबर मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, सुखवीर जी से पूछ सकते हो। और यदि आप आना चाहो यहाँ पे तो नंबर मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे बात कर लीजिए। तो सुखवीर, हमारा नाम है, गाँव बद्राणा है, मोबाइल नंबर पता करना है 97 28 45 96 04। इस पर आप कॉल कीजिए, ये 24 घंटे मेरे पास रहता है। अच्छा अच्छा, आप मतलब सारी जानकारी है आपको इसके बारे में? हाँ, खेती कैसे करते हैं, कैसे खेती कैसे करते हैं, कैसे तुड़ाई होती है, कैसे पैकिंग होती है, सारी जानकारी इसके बारे में। अच्छा अच्छा, लगभग 5-6 साल पहले मैं इसकी ट्रेनिंग लेकर आया था, 3 साल ट्रेनिंग में लगे थे, 3 साल से बिजाई फसल चालू है अपनी। अच्छा, 3 साल से आप खेती बाड़ी कर रहे हो और ट्रेनिंग भी ली थी आपने, है ना? हाँ, ट्रेनिंग भी ली थी, लगभग हम 1.5 किले में लगाते हैं मशरूम, 1 किले में अपना फार्म है। अच्छा, 1 किले में आपने अपना खुद का फार्म खड़ा कर रखा है? खुद का फार्म खड़ा कर रखा है, जिसमें आप मेहनत करते हो और लोगों को सर्विस देते हो ना? अपने पास 5-7 तो मजदूर मिलेंगे। अच्छा, 5-7 मजदूर भी लगा रखे हैं? हाँ, 5-7 मजदूर भी लगा रखे हैं। हाँ, तभी होता है क्योंकि एक अकेले आदमी से इतना हो नहीं पाता, आप पूरा नहीं उठा कर पाते, क्योंकि तुड़ाई भी है, बिजाई भी है, पानी भी डालना है, खाद भी डालना है, तो बहुत सारे काम होते हैं ना। बहुत सारे काम होते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से बिजाई होती है। यदि आपको कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नंबर मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप चेक कर सकते हो। आपको केसिंग चाहिए तो केसिंग भी मिल सकती है। केसिंग कैसी होती है सर? केसिंग जो भूसा है
ये एक महीने गड़ाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये भी हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा, केसिंग बोलते हैं उसको है? हाँ। चलो ठीक है सर। क्या हमें भूसा चाहिए या केसिंग ऊपर करने के लिए चाहिए, कोई सी चीज़? यानी कि कोई भी माल कहाँ से मिलता है, आप पूरी जानकारी है आपको, है ना? हमारे खाली बीज सोनीपत ले आना पड़ता है, नहीं तो और हम दे सकते हैं यहाँ से। अच्छा, आपके पास अवेलेबल है ना? हाँ। चलो ठीक है सर, तो यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो फ्रेंड्स आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनका नाम सुखबीर है और ये काफ़ी सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और इस प्रकार से ये सेटअप बनाते हैं। अभी इसके ऊपर छत भी डालेंगे और ऊपर पन्नी भी लगाएंगे, देख सकते हो। चलिए मैं आपको और आगे दिखा देता हूँ इस प्रकार से ये। तो फ्रेंड्स ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी अपने घर पे कर सकते हो यदि आप एक ज़मींदार हो, और आप अपने घर पे कर सकते हो यदि आपके पास थोड़ा बहुत भी ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन में ही लगाना पड़ता है और जगह होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये अपना तूड़ा तैयार हो रहा है। कहाँ पे? ये। अच्छा, ये तूड़ा तैयार करते हो इस प्रकार से, है ना? इसमें कुछ मिलाते हो क्या? हाँ, इसमें कई चीज़ मिलाई जाती है। अच्छा अच्छा, जिप्सम पोटास, जिप्सम पोटास वगैरह डाल के तब इसको तैयार किया जाता है, तब ये रेडी होता है। हाँ, जैसे ये सफेद पन दिखा रहा है, ये रेडी हो गए। अच्छा अच्छा, वाइट वाइट दिखा रहा है। हाँ। तो रेडी है ये, रेडी है तो हम इसे बेच भी देते हैं। जैसे कोई हमारे पास माल खरीदने आए तो हमें थोड़ा चाहिए, हम थोड़ा भी देते हैं तैयार करके। अच्छा अच्छा, तो देख लीजिए दोस्तों, यदि आपको ये काम स्टार्टअप करना है, सेटअप लगाना है, तो आप सुखबीर जी से संपर्क करिए। नंबर मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल वाला आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।